सबसे पहले तो चूंकि स्त्री काल में संजीव जी हम लोगों को करते हैं इस समय है कल उनका जन्मदिन पूरे सोशल मीडिया पे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है और बहुत बहुत बधाई उनको मनाया आ, संजीव आ, संजीव का जन्मदिन मनाया उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं आज भी आपके माध्यम से उनको शुभकामना और हार्दिक बधाई के वो हम लोगों के मुद्दों को इसी तरह बनाए हैं जिससे कि जो मिशन है मनुष्यता का वो आगे बढ़ सके ये सही बात है कि बिहार में दलित राजनीति जो दलितों के बीच में हुआ करती थी उस तरह से तो अब नहीं दिख रही है ये सही बात है हाँ उत्तर प्रदेश से थोड़ी स्थिति अलग है उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी कितनी ही कमजोर स्थिति में पहुंच जाए लेकिन उनकी उपस्थिति को कभी भी किसी ने भी कम नहीं आका है भले ही आ, उनका प्रसन्न घटा हो वोटों का लेकिन बिहार में थोड़ा अलग बना बन हो जाता है मामला ये सही बात है कि पासवान साहब जब तक रहे हैं वो किसी भी दल में रहे हो लेकिन दलित मद्दों को उन्होंने हमेशा आगे रखा है और बस ऐसे में आ, जो बड़े जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ही मायावती का नाम सुनकर के चौक गए थे कि मायावती कहाँ से <laughs> बस उसका एक प्रसंग जी, जी, जिक्र कर दिया हाँ, कि तथा बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वही बहुत अचकचा करके मायावती का नाम सुनते ही अचकचा गए थे वो कहा है नहीं, 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 वो वैसे एक देखिये मानसिकता की बात है अभी तेलंगाना में हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं हमारे कुछ मित्र गए हैं वहाँ बी से वहाँ स्थिति काफी अच्छी है राजस्थान में भी का, काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है और मध्य प्रदेश में भी जो उत्तर प्रदेश की सीमा में जो लगते हैं जिले उनमें भी बहुत बेहतर स्थिति बनी है अब ये बात अलग है कि तीन तारीख के बाद तेलंगाना तेलंगाना में तो दलित के लिए उस योजना का नाम मैं भूल रही हूँ तो घोषणा पत्र का हिस्सा है जी जी और यह है कि मतलब ये जानबूझ करके कभी कभी इग्नोर किया जाता है लेकिन ये सही है कि बिहार में इस समय थोड़ा गैप बना हुआ है चिराग पासवान जी स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं जिस तरह से संभालना चाहिए था उस विरासत को बड़ी विरासत है पासवान साहब की उनको चाचा भतीजे चाचा और जो है दोनों मिलकर के संभालते तो बहुत अच्छा होता यही कारण है कि जो गैप बना हुआ है उसको जो भी आगे ले जा सकता है वो लेने की कोशिश करेगा और दलतों को इसमें कोई गुरेज नहीं है जो भी उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेगा हाँ लेकिन ये बात है कि इस समय नीतीश जी हम देखते हैं कि पिछले एक माह से जिस तरह से एक दूसरे उसको लेकर के चर्चा और, में थे उससे वो अपनी स्वाभाविक रूप में उस इमेज से निकलना चाहेंगे दूसरा जो उन्होंने ए, अपने ही बनाए हुए मुख्यमंत्री के प्रति जो उन्होंने जो शब्द कहे थे उससे भी दलतों में खासकर मुशहरों में एक गलत मैसेज गया है लेकिन ये सही बात है कि वो लगातार अपने को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं और बल्कि ये कहें कि विपक्ष को भी कुछ इस तरह का होमवर्क देते हैं जिससे कि स्थिति संभले और आरएसएस या भाजपा का मुकाबला बेहतर तरीके से किया जाए उनके समय सबसे बड़ा संकट यही है कि भाजपा से चूंकि अलग हुए हैं वो तो पहले तो उन्हें ये बताना ही पड़ेगा कि भाजपा से अलग हुए हैं तो उनकी नीतियों से वास्तव में वो बहुत अलग हैं। ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि उससे उसे उन्हें न, ये बताना पड़ेगा जमीन पर आकर के कि भाई देखिए हम भाजपा के साथ तब थे लेकिन अब हमारी जो नीतियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं जो बाबा साहब का मिशन है उसको हमारे जाने की कोशिश करेंगे उनको ये भी मुझे लगता है घोषणा करनी चाहिए अभी समय है चूंकि वो घोषणाएं लगातार कर ही रहे हैं कि वो कितनी सीटों से संसद में भीम बालों को भेजते हैं जो आरक्षित सीट है वो तो ठीक है लेकिन वो ये रिस्क उठाते हैं क्योंकि बाबा साहब ने कहा था भाई ये संविधान में जो आरक्षण दिया जा रहा है दस साल पर्याप्त है और इसके बाद जो है इसको समाप्त जा सकता है हाँ शर्त यह रखी थी कि जब तक सवर्णों की सीटों से चुन करके दलित ना आने लगे तब तक इस पर विचार करना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा तो बिहार में यह भी एक ट्रायल कर सकते हैं इस तरह के कुछ कुछ लोगों को तलाश सकते हैं वो बुद्धिजीवियों को तलाश सकते हैं पत्रकार भी हैं कुछ साहित्यकार भी हैं उनको भेज सकते हैं पार्लियामेंट में वो ये पहले से मन बनाना पड़ेगा कहेंगे कि भाई देखिए बाबा साहब के अनुयायियों को वो तो मान ही रहे लेकिन बाबा साहब के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है उनके वो कुछ करने का मन रखते हैं अब देखिए बुद्ध शरण हंस वहां विराजमान है बहुत बड़े मतलब आईकॉन हम लोगों के बीच में है और बिल्कुल माना वृद्धावस्था में है उनको एक बड़ा सम्मान मिलना चाहिए मैं, मुझे लगता है क्योंकि हम बुद्धिजीवियों में उनका एक बहुत बड़ा कद है तो उन्हें ये कुछ चीजें करना चाहिए क्योंकि जब तक देखिए दल तब परिणाम चाहता है क्योंकि पचहत्तर साल हो गए हैं और बाबा साहब की स्वीकार्यता हेमंत जी ने बिल्कुल साफ तौर पर आदरणीय हेमंत जी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक और सारा सारा विमर्श जो है देश की सारी चीजें बाबा साहब की ओर शिफ्ट हो रही हैं अब देखिए सबसे बड़ा जो है काम हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट ने किया है वहाँ जाकर के सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहब की अः एक तरह से बैरिस्टर के रूप में पहली मूर्ति का अनावरण हुआ है राष्ट्रपति जी के द्वारा ये बहुत बड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहब की उपस्थिति का होना एक बहुत बड़ी बात है और सोशल मीडिया पे इसको हम लोगों ने खूब तवज्जो दी है और कहा है कि भाई अच्छी बात है तो बाबा साहब सब जगह पार्लियामेंट में तो वो पहले पहुंचे ही थे लेकिन जहां पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर भी बहस होती है और कई बार राजनीतिज्ञों को सत्ता दल को भी कटघरे में खड़ा करने की ताकत होती है वहां बाबा साहब की पहुंच हुई है और इससे निश्चय ही एक बहुत बड़ा बदलाव मुझे लगता है होगा क्योंकि चीजें बदलती हैं तो कई प्रकार से बदलती हैं तो अब ये कोई एहसान की बात नहीं रही है क्योंकि बाबा साहब को जो मिलना चाहिए था वो अभी आगे आ, आके मिलेगा अभी तो अभी तो समय बहुत है। माने पचहत्तर साल लोकतांत्रिक जीवन का कोई बड़ा नहीं होता है अभी तो बहुत आगे जाएगा लेकिन हाँ आसार दिखने लगे हैं कि जो 21वीं शताब्दी है वो बाबा साहब के लिए होने जा रही है हाँ ये सही बात है कि क्योंकि आदरणीय नीतीश जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इन चीजों को वो उनका वैज्ञानिक टेंपरामेंट है साइंटिफिक टेंपरामेंट है वो चीजों को समझ रहे हैं और अच्छी बात है कि उन्होंने नब्ज पकड़ी है लेकिन उन्हें धरातल पर कुछ काम करना होंगे अभी जैसे बताया कि आ, आ, आपने स्वयं कहा कि लालू जी की पार्टी ने कुछ काम किए थे अः पर और उन कामों को उन्हें बढ़ाना पड़ेगा और चूंकि लालू जी की पार्टी स्वयं उसमें शामिल है तो विरोध का कहीं से सवाल ही नहीं उठता है तो अभी उन्हें कुछ काम करने की आवश्यकता है जमीनी स्तर पर और इसमें चूंकि दलितों का विश्वास प्राप्त करना सवर्णों के लिए बड़ी चुनौती होती है और नीतीश कुमार जी चूंकि उनको हमारे हाँ, 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 मीडिया में और सब जगह कहते रहे लोग के भाई पलट जाते हैं हाँ, पता नहीं कब पलटी ख मार जाए तो इस इमेज से उन्हें निकलने के लिए कई बार वो कह चुके हैं कि भाई आ, इसके पहले भी उनके बयान आए थे कि फलाना हो जाएगा लेकिन मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा मैं जब तक जिंदा हूं मैं अपने को बदलूंगा नहीं लेकिन फिर भी वो उन कुछ इस तरह का हो जाता है कि वो बदल जाते हैं तो ये उन, ये, ये ये विश्वास जो है ये जमाना बहुत बड़ी चीज है और कुछ उन्हें इस तरह से करना पड़ेगा और मैं तो कहता हूं कि जैसे बिहार में मैं देख रहा हूं तमाम जो है नियुक्तियां हुई हैं कुलपतियों की मैं कुलपतियों पर इसलिए ध्यान देता हूं कि चूंकि बौद्धिक केंद्र है ये और इससे जाना जाता है कि तुम अपने शिक्षकों के प्रति खासकर जो दलित वर्ग के शिक्षक हैं उनके प्रति तुम्हारा नजरिया क्या है क्या तुमने स्वीकार किया है उनको गुरु रूप में क्या आचार्य के रूप में स्वीकारोक्ति बड़ी है तो कुलपतियों की नियुक्ति में यदि ये सीधे तौर पर कुछ कर सके होते क्योंकि उससे बड़ा बदलाव होता है कुलपति बनाने का मतलब होता है पर कुलपति जो है प्रोफेसरों की नियुक्ति करता है अभी भी केंद्र सरकार जो योजना लाई है बैकडोर एंट्री प्रोफेसरों की के उसमें ना पीएचडी की आवश्यकता है ना किसी की आवश्यकता है तो मुझे लगता है बिहार में इनको भर देना चाहिए एक अच्छा मौका है बिहार में इस चीज का लाभ उठा करके क्योंकि वो लगातार आर को घेर रहे हैं भाजपा को घेर रहे हैं और निश्चय भी वो उस, उस जगह लाना चाहते हैं जिस जगह भाजपा नहीं आना चाहती है तो उन्हें चाहिए कि भाई ठीक है बहुत हो चुका है अब लगातार कुलपतियों की नियुक्ति बड़े बड़े निकाय हैं संवैधानिक निकाय हैं उन पर जो है दलितों को लाना चाहिए दलितों को आदिवासियों को जो भी उनकी संख्या है उसमें लाना चाहिए अति पिछड़ों को लाना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि सचमुच में उनको भागीदारी देना चाहते हैं क्योंकि सत्ता का केंद्र जो है ये निकाय है और उन्हें सबसे बड़ी बात है कि चूंकि उन पर आरोप लगा है उन्होंने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने ए, उनको जो है ए, एक मुशहर को मुख्यमंत्री के रूप में बनाया था भूल कहा उन्होंने इस चीज को इसका क्या मैसेज जाएगा समझ रहे तो उन्हें ये बताना चाहिए कि चूंकि ये हो सकता है कि उनको ये, ये सुधार करना चाहिए क्या हो सकता है कि जिस पर उन्होंने विश्वास किया था वो भरोसे पर नहीं उतरे लेकिन आगे मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दलितों को निराश नहीं होना पड़ेगा हमारी सरकार बनती है तो हम उनको उचित मौका देंगे सत्ता में भी और यहाँ से जो है पार्लियामेंट भेजने का जो काम है उसमें भी तो लगातार उन्हें इस कुछ, कुछ तरह के वर्क करना पड़ेंगे और ये नहीं कर पाएंगे तब मुश्किल है देखिए अब एक लाइब्रेरी का जैसे है एक बड़ी लाइब्रेरी बाबा साहब को पढ़ने पढ़ाने का एक बड़ा शोध केंद्र भाई तो अंबेडकर सेंटर उन्हें बनाना चाहिए जो देश में एक मानक स्थापित हो क्योंकि पटना तो बौद्धों की भूमि रही है और बाबा साहब बौद्धों बा� के बौद्धों की शरण में हैं स्वाभाविक तौर पर तो ये ये उनका मिशन तथागत को लेकर के उनका मिशन चल ही रहा है उसमें उन्हें चाहिए कि नालंदा में जो लाइब्रेरी जो जला दी गई थी तो उसको कहीं शिफ्ट करें और एक इस तरह की लाइब्रेरी के देश में जो अद्वितीय हो और जिसमें बाबा साहब को फोकस करती हुई चीजें हो क्योंकि दुनिया में ये काम हो रहा है तो दुनिया में जब ये काम हो रहा है तो नीतीश जी को ये करना चाहिए और उन्हें पहल करनी चाहिए कि, कि कम से कम जो हाईकोर्ट है वहां उसके लिए पहल कर सकते हैं कि राज्यों में हाई कोर्ट में पहली बाबा साहब की मूर्ति लगी ये कुछ काम उन्हें प्रतीकात्मक क्योंकि प्रतीकों से भी राजनीति होती है और इससे प्रभाव पड़ता है तो कुछ उन्हें ये करके दिखाना पड़ेगा और ये यदि नहीं कर पाते हैं तो बहुत मुश्किल चीज है और पुरस्कारों का वितरण है साहित्यकारों को ना यद्यपि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं ना मैं मेरी कोई आकांक्षा रहती है फिर भी जनता का पैसा है तो उन्हें दिखाना चाहिए कि जो साहित्य अकादमियां हैं जो साहित्यिक संस्थान है जहां से पुरस्कार वितरण होते हैं वहां पुरस्कार बांटिए मैं तो कहता हूं लगातार दो तीन साल उन्हें करना चाहिए कि दलितों को और अति पिछड़ों को ही पुरस्कृत करें क्योंकि इनका बैकलॉग पड़ा हुआ है राजनीति में जो है बैकलॉग भरते रहे हैं मायावती बहन मायावती ने यहाँ बैकलॉग नौकरी का भरा लेकिन ये बैकलॉग कौन भरेगा पद्मश्री की उपाधियां दिलवाइए अपने यहाँ से तमाम लोग जो हैं उनको ये मुख्यमंत्री के सीधे उसमें आता है आप 26 जनवरी के लिए रिपोर्ट भेजिए पद्मश्री पद दिलवाइए पद्म भूषण दिलवाइए पद्म पुरस्कार कब मिलेंगे हम लोग कहा क्या करेंगे देखिए मोदी जी की बहुत आलोचना होती है लेकिन इसके बाद भी वो बिहार से झारखंड से तमाम ऐसे लोगों को लाए हैं पद्मश्री देने के लिए जो बिल्कुल नेपथ्य में पड़े हुए थे तो इन्हें ये चाहिए कि जिनसे जो है एक मैसेज जाए पद्मश्री की जमात में कम से कम जो भेजे या भेज रहे होंगे प्रस्ताव उन्हें ये कर लेना चाहिए पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में दलितों को अति पिछड़ों को वो भेजे नाम वो ये बताएं कि हाँ भाई ठीक है ये इसके योग्य है हाथों से कमाने खाने वाला है केवल भीम संसद सड़क पर या किसी पार्क में कर लेने से नतीजा नहीं आता है बाबा साहब सत्ता की चाबी चाहते थे तो छोटे छोटे जो क्लब हैं छोटे छोटे जो सेंटर हैं सत्ता के उनकी चाबियां तो कम से कम सौंपने का अभ्यास करना होगा लेकिन उसके खतरे नहीं होंगे जो जो उन्होंने खतरा उन्होंने तो वैसे भी तो रहेगा नहीं, 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 नहीं रहेगा तो, तो, तो रहे दलित रहे तो मिलेगा खतरा तो ये भी है तो तुम्हारा सब हवा हवा, हवा ही रहेगा खतरा तो मोल उठाना पड़ेगा भरोसा करना पड़ेगा दलित का वोट चाहिए तो दलितों में विश्वास करना पड़ेगा आपको कोई ऐसा नेता भाई आपकी पार्टी में तमाम दलित जुड़े हैं क्या एक भी चेहरा सारे के सारे मैं, माने ये तो एक ऐसा होगा कि दल सारे बेईमानी होते हैं सारे मतलब निष्ठावान नहीं होते हैं ये तो निष्ठा पैदा करना पड़ेगी माने आपको भरोसा देना पड़ेगा भले ही आ, माने तुम्हारा विश्वास टूटे ये तो ये तो करना पड़ेगा जी के का सवाल नहीं था हालांकि वो जी के निष्ठा का सवाल नहीं था जो हाँ बिल्कुल सही बात है ये तो इनको अपनी वापसी का सवाल था देखिए ये है असल में क्या है कि सवर्ण कभी नहीं चाहता है या सामंतवादी सोच के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि कोई दलित नेतृत्व मजबूती के साथ उभरे क्योंकि उसको उभार के उनको अपने लिए खतरा क्यों मोल लेंगे ये तो स्वाभाविक तौर पर है दलित भी इस चीज को जानते हैं तो निश्चय ही वो उस मन से तो नहीं उभारेंगे लेकिन बेमन से ही सही उभारना चाहिए देखिए जगजीवन राम को नेहरू जी ने उभारा गांधी जी ले आए और लगातार उभारते रहे और पार्लियामेंट से कभी बाहर नहीं जाने दिया पचास साल का संसदीय जीवन रहा और उनको जाकर के ये बात सही है कि प्रधानमंत्री पद का नहीं दिया उन्हें अपने आप को अलग होना पड़ा और उन्हें ये जताना पड़ा है जगजीवन राम जी को कि हमारे साथ जो है अन्याय हुआ है तो ये लेकिन नेतृत्व तो उभारना पड़ेगा यदि नेतृत्व तो नहीं उभारोगे उन चीजों को तो कौन तुम ये सही कहा अभी चंदन जी कह रहे थे कि वहां तुम यदि सवर्ण नेताओं को लेकर के जाओगे तो तुम्हें कौन घुसने देगा कौन वोट देगा नहीं देगा तो खतरे तो उठाने पड़ेंगे अच्छा और स्वाभाविक रूप में वो एक वैज्ञानिक सोच रखते हैं तो उन्हें प्रैक्टिकल तो करना पड़ेंगे अच्छा जहां तक टी जो डेट का सवाल है मुझे लगता है ये ज्यादा रिस्की मामला है जैसे बहन जी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में सर्वर्णवाद खेला था कि सर्वजन सर्वजन हिताय तो सर्वजन हिताय नहीं कोई चीज होती है सर्वजन हिताय हो ही नहीं सकता है पर तो आप डाकुओं का भी हित करेंगे बलात्कारियों का भी हित करेंगे पर आप अन्यायी अत्याचारियों का भी हित करेंगे तो नहीं हो सकता है आपको चुनना पड़ेगा जो जो तथागत है, 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 तो 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 खतरा ए, ए, बढ़ तो बढ़ेगा उन्हें वहां वो भरपाई के लिए तो इस तरफ से खतरा बढ़ेगा तो बहुत संतुलित होकर कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि दलित जातियां ये देखती हैं कि उनका जो शोषक रहा है उसको तुम कितना दे रहे हो? यदि उसको तो ये लगेंगे। जिस तरह से माने बुलाया उन्होंने एक तो टाइम नहीं दे नहीं? रहे थे 21 दिन समय नहीं? पे टाइम दिया तो सामने वो दो नेताओं को बैठा लेते हैं विजय चौधरी जी को बैठा लेते हैं और भाई आप पूर्व मुख्यमंत्री से बात कर रहे हो चलिए आपने कृपा की लेकिन स्टेटस तो पढ़ा दिया आपने हाँ और हाँ। ऐसे भी दूसरे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहे हो तो बात कर लो आप, आप लेते बिल्कुल सही बात है कहा था यूपी में भारत समाचार चैनल कहा था दलों को नेतृत्व देना है तो यहाँ के डीएम बदलिए अरे पचहत्तर जिले हैं पचहत्तर जिले में कम से कम तो पचास जिले को डीएम बना दीजिए जो बहन मायावती करती थी करिए उनको यदि पावरफुल करना चाहते हो मैंने भाजपा को चुनौती दी थी यहां। तो ये उनको भी चाहिए तो सीधे उनके हाथ में डीएम तो कल बदल सकते हैं वो भाई पावर आप करिए और फिर उन्हीं को सौंपिए दल तो पे अत्याचार ना हो अति पिछड़ों पर अत्याचार ना हो तो उनको आप सौंपिए ये तो रातों रात निकाल सकते हो तो डीएम के निकालिए कमिश्नरों को सौंपिए इसको आप करिए ये जब इस तरह का कोई धमाकेदार काम होगा क्योंकि इस तरह के इस तरह के कामों में रुचि रहती है और इस तरह की चीजों को देखना चाहता है दलित वो देखना चाहता है कि हमारे लोगों को पावर मिला कि नहीं मिला ये मुख्यमंत्री आप बने रहिए भाई कोई बात नहीं मुख्यमंत्री बने रहिए आप अपना गृह मंत्री बनाए रखिए सब बनाए रखिए लेकिन डीएम की कमान तो सौंपिए क्योंकि असली असली सक, सरकार तो डीएम से चलती है उनको आप पावर फुलदी करना चाहते हैं दलित पर अत्याचार ना हो उनको आप जिम्मेदारी दीजिए ये ये करना पड़ेगा आप अपने सीएम हाउस में जो आपके एडवाइजर हैं जो प्रमुख सचिव हैं जो तमाम लेवल के लोगों दलतों को उनको दिख चेहरे दिखने चाहिए कि सरकार की नीतियों को प्रभावित करने वाले निर्मित करने वाले में दलतों की कितनी भागीदारी है आखिरकार ये, ये तो आखिरकार तो, ये तो हो तो, तो 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 ही तो, रहे हैं सर एकदम पिन पॉइंटेड कि इसमें किसको एज मिल रहा है भाजपा के पास और एक प्रतिनिधि चेहरे हैं दो पार्टियां हैं जो कि जिसका नेतृत्व तो दलित देखिए देखिए भाजपा के पास जो चेहरे हैं उनका कोई महत्व तो रह नहीं जाता है इसलिए नहीं रह जाता है कि देखिए भाजपा के पास जो भी दलत चला जा रहा है वो तो एक तरह से हमारे लिए बेकार खारिज हो जा रहा है कितना पावरफुल हो हम देखते हैं माननीय अठावले साहब यद्य हम लोगों के सम्मानित हैं बाबा साहब की विरासत से जुड़े हुए हैं लेकिन उनको दलितों के बीच में उनकी स्वीकारोक्ति नहीं बढ़ पाई है तो आप किसके साथ ज्वाइंट हो रहे हैं दलित दलितों को तुम ले आए हो समझ रहे महत्वपूर्ण देखिये चिराग जी का कहीं कोई अस्तित्व बनता ही नहीं माने उनका अपनी पार्टी में भी कोई अस्तित्व नहीं है अपने परिवार में भी कोई अस्तित्व नहीं बन पाया है वो परिवार में ही संघर्ष कर रहे हैं जितेंद्र राम मांझी जहां से निकल के आए हैं स्वाभाविक तौर पर वो उन्हें स्वीकारोक्ति नहीं मिलेगी उन्हें ठहराव वो अपनी हम पार्टी के साथ ही रहते चाहे भले उन्हें पांच सीट मिलती उन्हें अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहिए था जैसे यहाँ राजभर वगैरह जो संघर्ष कर रहे हैं वो अपनी तमाम पार्टी बनाए हुए हैं दस दस सीट ले जा रहे हैं सोहेल देव के नाम पर पार्टी बनाए हुए हैं कम से कम मर्ज तो नहीं कर रहे हैं यहाँ जाकर के पटेल मैडम जो है अपनी पार्टी बनाए हुए हैं तो ये हम मर्ज नहीं बनाए रखा है लेकिन मैंने कह रहे हैं कि लेकिन फिर उन्हें अपनी पार्टी को हाँ तो उस तरह से पार्टी को मजबूत बना करके उन्हें कुछ काम करना पड़ेगा तो ये देखना पड़ेगा हाँ ये सही बात है कि यदि जैसे अब देखिए आदरणीय बीपी सिंह जी का जैसे आज स्टेचू लगी है वहां तमिलनाडु में चेन्नई में लगाई गई है तो, तो उनकी देखे वहां स्वीकार वो में चेहरा ही थे लेकिन ओबीसी के लिए ईमानदारी से काम किया अपनी सरकार को माने झोंक दिया पूरी तरह से अपने अपने व्यक्तित्व को भी एक तरह से उन्होंने सवरणों में नेस्ताबूत कर दिया लेकिन उनकी स्वीकारोक्ति बड़ी है तो नीतीश जी यदि दलित नहीं उभार पाते हैं तो दलित अति पिछड़ों के नेता के रूप में ही उभार आए वैकेंसी तो बनी हुई है भाई लालू जी यदि उपेक्षित हाँ, के नेता हैं उनके तो वो खुद यदि नहीं मिलता है कोई तो खुद ही उभर आइए भाई उसमें भी कौन भी। सा हर्ज है नहीं बना सकते आप आपको कोई दल ठीक नहीं लगता आप ही दलों के रूप में आ जाइए आप और आपके भी। भी। मैं मैं तो ये ये एक बहुत बड़ी बात देखिए डीपी सिंह सवर्ण थे लेकिन आज उनके बेटों को उनकी धर्मपत्नी को जो सम्मान मिल रहा है आखिरकार ये देश भूलता नहीं है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है तो यदि वे दलित नेतृत्व पर उन्हें भरोसा नहीं है तो खुद ही दलित नेतृत्व के रूप में अपने को स्थापित करिए फिर आप ये सामंत शाही चेहरा निकाल फेंकिए फिर आप बिल्कुल जय भीम के नारे में आ जाइए उसमें कोई गुरेज थोड़ी है संजीव चंदन जी बैठे हैं आप स्वयं बैठे हैं हम लोगों के लिए वही बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बैठे हुए हैं जो अपनी जातियों से गालियां खा रहे हैं और एक मिशन चला रहे हैं तो नीतीश जी को ये करना पड़ेगा लेकिन वो कहें हम अपनी जमात में भी बने रहे और फलाना कर जाए तब ये मुश्किल है ये ये नहीं जम पाएगा उन्हें आना पड़ेगा बीच में उतर करके आना पड़ेगा लड़ाई के लिए ये करना पड़ेगा उन्हें